सो गाइस, ये बिल्डिंग है मुकेश अंबानी की। आप देख सकते हैं पूरे वीडियो, आप अच्छे से देखिएगा, आप समझ जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम समीर है और मैं मुंबई दर्शन आज कराने वाला हूं आप लोगों को। टॉप 10 मुंबई, मतलब जो मुंबई के सबसे अच्छे प्लेसेस हैं वो आज आप लोग को दिखाऊंगा। तो हम अभी चल रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए, और उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम जा रहे हैं, अगर हम मुंबई में आते हैं रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो मुंबई की वो अलीशान रेलवे स्टेशन आपको दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं ब्लॉग अपना शुरू करता हूँ। इस टाइम पे मैं आ गया हूँ सीएसटी, मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हो पीछे मेरे कितना सुंदर मुंबई का रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। और दूसरी बात आपको बता दूँ, यहाँ पे एक्चुअली ये बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों ने देखा भी होगा, तो ये मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ अच्छे से, उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉग पर चलता हूँ, तो आप पीछे के कैमरे से देखिए। दोस्तों आप देख सकते हो पीछे के कैमरे से, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है, और आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा। देखिए क्या नज़ारा है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से लिया था क्योंकि नहीं आ रहा था, तो ये ख़त्म होने के बाद में मैं आपको व्हाइट हाउस लेकर चलता हूँ। व्हाइट हाउस आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा दोस्तों, वो भी आपको दिखाऊंगा, तो चलते हैं। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं वापस नेक्स्ट ब्लॉक पे। तो जब हम मुंबई में सबसे पहले आते हैं तो हमें पहले यहाँ पे आना चाहिए, मुंबई की रेलवे स्टेशन देखनी चाहिए। अब हम लेकर चल रहे हैं आपको व्हाइट हाउस। अब आप कहेंगे व्हाइट हाउस है क्या, तो आपको दिखाते हैं चल के वहाँ पर, और फिर देखिए आपका वहाँ का सीन। तो चले फिर चलते हैं। ऑडियो जंगल आ गए व्हाइट हाउस, और चलते हैं खोल, देखते हैं क्या होने वाला है भाई। यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं भाई। ये व्हाइट हाउस है पीछे, आ जाओ आ जाओ। सिंगम पिक्चर का जो चारों गाइस, यहाँ पे मेरा दोस्त कहता है यहाँ पे सिंगम पिक्चर की, सिंगम वन की, टू की, सिंगम, हाँ सिंगम जो पिक्चर अजय देवगन की यहाँ पे शूटिंग हुई थी बता रहे हैं। यहाँ पे वो बंदा विलन जो है यहाँ पे दौड़ता हुआ आता है सामने से, इधर यहाँ पे चारों तरफ से पकड़ते हैं उसको। यहाँ पे देखते हैं अभी, यहाँ पे सारी की सारी फिल्में, अभी बहुत सारी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग होती है, आपको दिखाते हैं भाई। ये व्हाइट हाउस है दोस्तों, देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए टिकटॉक भी बना रहे, सेल्फी भी क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे जो आता है सबसे पहले कुछ ना कुछ भाई पिक क्लिक करके जरूर जाता है। चलो नजदीक से देखते हैं वहां पे, आ जाओ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिंगम पिक्चर की शूटिंग हुई थी, और जो सिंगम फिल्म की शूटिंग हुई थी, ये गली भी है पीछे की, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इधर यहाँ पे या व्हाइट हाउस है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा इसको ठीक से दिखाते हैं आपको। वो रास्ता दिखा देना, ऑडियो जंगल।
ये हम आ गए यहाँ पे। ये देख सकते हो तो सब आतंकवादी ये रास्ता से आए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये गेट ऑफ इंडिया सामने देख सकते हो, पीछे की कैमरे से देखते हैं। चलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए अभी। ये भाई देख लो यहाँ पे नीचे भी सूख गया है। ये पीछे आप देख सकते हो मेरे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पे जहाज भी बहुत बड़े बड़े हैं। ये हम आ गए यहाँ पे ताज होटल, ये देख सकते हो बस आप आतंकवादी ये रास्ता से आए। यहाँ देख सकते हो यहाँ पे, ये गेट ऑफ इंडिया सामने देख सकते हो, पीछे की कैमरे से देखते हैं। भाई देख लो यहाँ पे नीचे भी सूख गया है। ये पीछे आप देख सकते हो मेरे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अभी हम लोग वहां से ताज होटल से आ गए हैं, ताज होटल मतलब गेट ऑफ इंडिया से आ गए। अब हम आ गए मरीन ड्राइव, तो हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं कैसा है लोकेशन और बैक कैमरे से दिखाएंगे दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है मेरे पास में, सो प्लीज यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और इस लोकेशन पे आने के लिए मुझे 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो चलते हैं, हम निकाल के देखते हैं। भैया ये आगे भाई देखो, चलिए हम बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया मरीन ड्राइव, ये हम आ गए यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ये देख सकते हो बस आप आतंकवादी ये रास्ता से आए, ये आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा। यहाँ पे ये रात में बहुत सुंदर दिखाई देता है, सामने देख सकते हो, पीछे की कैमरे से देखते हैं। चलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए अभी। ये भाई देख लो यहाँ पे नीचे भी सूख गया है। ये पीछे आप देख सकते हो मेरे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ।
गाइस अभी हम आ गए हैं यहाँ पे मुकेश अंबानी के घर के पास में, और हम वो बिल्डिंग आपको दिखाएंगे बैक कैमरा से, क्योंकि सामने के कैमरा से आप लोग को शायद ठीक से ना देख पाए, तो हम पीछे के कैमरा से दिखाते हैं वो बिल्डिंग को। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगी रहती है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ये है बिल्डिंग मुकेश अंबानी की, आप देख सकते हो 200 बिलियन में बनी हुई है दोस्तों ये बिल्डिंग। और आप जब खुद नज़दीक से देखेंगे तो हाँ कहेंगे ये बिल्डिंग है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिल्डिंग, ये है सबसे महंगी बिल्डिंग और सबसे बेस्ट बिल्डिंग है ये दोस्तों। तो ये बिल्डिंग के बाद में फिर मैं आप लोग को आगे लेकर चलता हूँ। सो गाइस, तो मैं आप लोगों को लेकर अब आ गया हूँ हाजी अली दरगाह, जो हर कोई इंसान मुंबई आता है तो सोचता है कि हाजी अली दरगाह का दर्शन ज़ियारत हो जाए हमारी। तो आप ये जो सामने देख रहे हैं समुंदर में बनाया हुआ है हाजी अली दरगाह, आपको लेफ्ट साइड से अंदर जाना है, जब समुंदर बढ़ जाता है तो बंद कर दिया जाता है, रात को 9:30 बजे तक दरगाह चालू रहता है दोस्तों। अब इसके बाद में मैं आपको अगले व्लॉग पे लेकर चलता हूँ, ओके दोस्तों, तो चलिए फिर चलते हैं। गाइस अभी हम आ गए हैं हाजी अली से ईसा अंबानी के घर पे, जो उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को घर दिए थे गिफ्ट में, वर्ली सीफेस के बिल्कुल सामने घर है, वो घर दिखाते हैं कितना सुंदर बनाया हुआ है, और उसके सामने जो बीच है वो आपको दिखाते हैं। तो बैक कैमरा से दिखाते हैं क्योंकि सामने के कैमरा से आप समझ नहीं पाएंगे। और लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, तो चलिए दिखाते हैं। ये घर है आप देख सकते हो, हम आ गए हैं बिल्कुल घर के पास में, शाहरुख खान के घर के पास आ गए हैं। अभी देखते हैं वहां पे पब्लिक है या नहीं है, पता नहीं क्योंकि संडे है, वैसे वहां पे बहुत लोग रहते हैं। तो ये हम आ गए हैं शाहरुख के घर के पास में, साइड कैमरे से देख लेते हैं। ये शाहरुख खान का बंगला है, ये देखिए क्या बात है, यहाँ पे यहाँ देखिए फोटोज की, ये देखिए फोटो खींच रहे भाई, ये शाहरुख खान का घर है, मन्नत 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 ममता। सो गाइस अभी आप लोगों ने देखा मन्नत, और अब हम आपको उसके सामने जो शाहरुख खान के घर के सामने जो चौपाटी है बैंड स्टैंड वो दिखा देते हैं, और इसके बाद ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं।
तो भाई फिर से बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम आपको ये लास्ट लोकेशन दिखाते हैं, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है तो फिर रात हो जाएगी। सो गाइस, अभी हम अमिताभ बच्चन के बंगले के पास आए हुए हैं। देख लीजिए यहाँ पे अमिताभ बच्चन निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्राउड है लगा हुआ, आप देख सकते हो। देखो अभी निकलने वाले हैं, देखो ये है जलसा बंगलो, ये देखिए।